हम नजर रखते हैं आपके शहर की सूरत हाल पर। हम नजर रखते हैं जनता से जुड़े सवाल पर। आपके शहर के कोने कोने से लाते हैं हम ताजा तरीन खबर। आम सरोकार की बात हो या राजनीति की टेढ़ी मेढ़ी चाल, खबरें ही होती है हमारी पहचान। जुर्म की दुनिया हो या कमर तोड़ महंगाई, हम देते हैं निष्पक्ष दस्तक। पब्लिक टाइम्स समाज का आइना। पब्लिक टाइम्स जनता की आवाज। पब्लिक टाइम्स खबरों का नया पैमाना। खबरों की सही मायने हौसला सच दिखाने का। न लेफ्ट न राइट, हम हैं सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ, क्योंकि हम हैं टीम पब्लिक टाइम्स। देख रहे हैं डेटलाइन टाइम्स, साथ में हूं मैं भावना। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस निवेदन करते हैं दामोदर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, चॉइस ऑफ मिलियंस, रिश्ता जो कभी न टूटे। रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में ठंड का कहर जारी। दुर्गापुर में आग जलाकर सो रहे दंपति की मौत। पूर्व बर्धमान में राज्य सरकार के खिलाफ किसानों का अनोखा प्रदर्शन, आलू जलाकर प्रदर्शन। NH2 के यात्रियों को दिए गए जले हुए आलू। रानीगंज में पूर्व विधायक सोहराब अली का राजनीतिक कर्म सूची जारी। 91 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस की सभा में CPIM एवं BJP के 15 समर्थकों को झंडा थमाकर दल में किया गया शामिल। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में ठंड का कहर जारी। रानीगंज, दुर्गापुर और आसनसोल में पारा पहुंचा 7 डिग्री सेल्सियस तक। आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज समेत पूरा शिल्पांचल कड़ाके की ठंड से ठिठुर गया है। ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। तापमान लगातार नीचे गिर रहा है और लोग ठंड से कांपने को मजबूर हैं। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा, और ये कोहरा इतना घना कि आसपास की चीजें भी दिखाई नहीं देती। गहरे कोहरे की वजह से वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी अधिक सावधानी बरतनी पड़ रही है। घने कोहरे और ठंड की वजह से ट्रेनें भी देरी से चल रही है। कई ट्रेनें मंगलवार को 15 से 16 घंटे लेट रही। कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन भी काफी प्रभावित हो रहा है। पिछले 3 दिनों से शिल्पांचल में ठंड का कहर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। ठंड के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शाम ढलते ही लोग अपने घरों का रुख करने लगते हैं। अगर किसी को जरूरी काम से बाहर जाना भी पड़ रहा है तो ठंड से बचने के उपाय करके लोग बाहर जा रहे हैं। सुबह में तो कोहरा इतना घना होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोपहर में धूप खिलती भी है, पर वो भी ठंड के कारण बेअसर साबित होती है। ठंड से राहत पाने के लिए कहीं लोग आग तापते हैं तो कहीं लोग तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने ठंड अभी और बढ़ने की संभावना जताई है।
पिछले शनिवार यानी 6 जनवरी को रानीगंज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को रानीगंज का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल तो ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। जानकारों का कहना है कि इस बार शिल्पांचल में काफी ठंड पड़ रही है। अगर यही आलम रहा तो ठंड अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। इसी बीच आसनसोल में ठंड से एक महिला की मृत्यु भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर में ठंड से बचने के लिए आग जलाकर सो रहे दंपत्ति की दम घुटने से मृत्यु, 2 बच्चे हुए अस्वस्थ। कड़ाके की ठंड से राहत पाने के लिए एक परिवार अपने घर में चूल्हा जलाकर सोया था, पर अगले दिन सुबह उनके ही घर से बरामद की गई उनकी लाशें। ये घटना है दुर्गापुर के कुड़ोरिया भांगा इलाके के बावरी पाड़ा की। दरअसल मामला ये है कि मंगलवार की रात परेश चंद्र बावरी, उसकी पत्नी शीला बावरी नामक दंपत्ति एवं उनकी दोनों बेटियां एक ही कमरे में चूल्हा जलाकर ठंड से बचने के लिए सोए थे और उनका पुत्र अलग कमरे में सोया था। अगले दिन सुबह बेटे ने अपने माता पिता और दोनों बहनों को काफी आवाज लगाई, इसके बावजूद भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि उसके माता पिता एवं दोनों बहनें आशंकाजनक अवस्था में पड़े हैं। पास जाकर पुत्र ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो देखा कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, जबकि दोनों बहनें बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं। घटना की सूचना उसने तुरंत आसपास में एवं पुलिस को दी। आनंद फानंद में दोनों बहनों को दुर्गापुर महकमा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं मृतक परेश चंद्र बावरी व उसकी पत्नी शीला बावरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया गया। इस बारे में बताते हुए परेश चंद्र बावरी के परिजन ने बताया कि घरे माने आगुन माने उन्होंने जलिए आके गर्म हवा जन घुमा छिल तो ऑक्सीजन अभावे माँ बाबा मारा जाए और माने पीसी है पीसी कापूरा सब सीरियस যে মারা গেছে তার নাম কি? তার নাম হচ্ছে পরেশ বাবু। এরম ছিল বাবু, এরম কি প্রাইস হয় কি ঘরে মানে উনুন জেলে বা আগুন? হ্যাঁ, উনুন জেলে শীতের জন্য একটু করত। মানে আমার মানে দাদু যে ছিলেন উনি খুব শীত কাতুরি ছিলেন, তার জন্য একটু আগুন জ্বালিয়ে ঘরটা গরম করে রাখতে দিয়ে কি দম বন্ধ হয়ে মানে? হ্যাঁ, দম অক্সিজেন হয়ে মারা। शुरुआती जांच में पुलिस ने आशंका जताई कि परेश चंद्र और शीला बावरी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के वजह से हुई है। दुर्गापुर से साधन रूल्स की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। राज्य सरकार के खिलाफ बर्दवान में सीपीआईएम की सारा भारत कृषक सभा ने किया एक अनोखा प्रदर्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से गुजरने वाले यात्रियों को जले हुए आलू पकड़ाकर किसानों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया। पूर्व बर्दवान के जमालपुर थाना क्षेत्र के आझापुर के पास माकपा के कृषक संगठन कृषक सभा द्वारा विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाया गया। दरअसल आलू किसानों की समस्या को लेकर कृषक सभा के समर्थक सड़क पर उतरे और आलू जलाकर विरोध जताया। किसानों को आलू का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उन्होंने कड़ा विरोध जताया है और राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार बुधवार को कृषक सभा के समर्थक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर इकट्ठा हुए और कई बोरा आलू सड़क पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, आलू के ढेर में आग लगा दी। राजमार्ग से गुजर रहे ट्रक चालकों को जले हुए आलू दिए गए। वरिष्ठ माकपा नेता अमल हालदार ने आरोप लगाया कि एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावा करती है कि बंगाल में किसान खुशहाल है, तो दूसरी तरफ पूर्व बर्दवान के आलू किसानों की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। किसानों ने आलू का अत्यधिक उत्पादन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आलू का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। किसान मजबूर होकर कम कीमत पर आलू बेच रहे हैं, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बर्धमान जिलार এই প্রান্তে এখন আলু পোড়ানো উৎসব এটা হচ্ছে শুরু হচ্ছে। কারা করছে এটা? আমরা করছি সারা ভারত কৃষক সভা বর্ধমান জেলা কমিটি, তাদেরই আহ্বানে আজকের এই কর্মসূচি। বর্ধমানে এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা ছড়িয়ে আছে, ভালো আছে। এই কথাটার মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কার্যত বর্ধমান জেলাকে বিদ্রুপ করেছে, উপহাস করেছে। আজকে আলু চাষিদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, এত খারাপ অবস্থা আলু চাষিদের। হ্যাঁ, এত খারাপ যে কার্যত আর তারা বিক্রি করতে তারা চাইছে যে অবস্থা আসছে। তো গোটা পশ্চিমবঙ্গের সব চাষি, মেদিনীপুর, হুগলি,
সব চাষিরই অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা তার প্রতিবাদ জানাবার জন্য আজকে আলু পুড়িয়ে। उन्होंने कहा कि कृषक सभा आलू किसानों के मुद्दे पर लगातार आंदोलन करेगी। सिर्फ जमालपुर ही नहीं, जिले के और भी 3 जगहों पर आलू किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया है। कृषक सभा के नेताओं ने आलू किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार से तुरंत सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है। बर्दवान से अमजद अली शेख की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के 91 नंबर वार्ड अधीन गिरजापाड़ा में तृणमूल कांग्रेस की सभा, पूर्व विधायक मोहम्मद सोहराब अली ने झंडा थमाकर बीजेपी एवं सीपीआईएम से आए हुए 15 लोगों को किया शामिल। रानीगंज में नगर निगम के 91 नंबर वार्ड में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस द्वारा FRDI बिल के खिलाफ सभा की गई। सभा के दौरान भाजपा के करीब 15 समर्थक तृणमूल में शामिल हुए। रानीगंज के पूर्व तृणमूल विधायक सोहराब अली ने भाजपा छोड़कर आए समर्थकों के हाथों में तृणमूल का झंडा पकड़ाया। पूर्व विधायक सोहराब अली ने फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल अर्थात FRDI को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये बिल जन विरोधी है। केंद्र सरकार नोटबंदी व GST के बाद अब आम जनता पर एक और बोझ डालना चाहती है। इस बिल से देश की जनता को ही नुकसान होगा। बैंकों में रखा लोगों का रुपया सुरक्षित नहीं रहेगा। सरकारी बैंक के डूबने पर लोगों के जमा रुपयों से उसकी भरपाई की जाएगी। पूर्व विधायक सोहराब अली ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि वर्ष 2011 में तृणमूल राज्य की सत्ता में आई थी और इन 6 साल से अधिक समय में राज्य का काफी विकास हुआ है। कन्याश्री, सबूत साथी समेत कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं और बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि FRDI के विरोध में रानीगंज के सभी वार्डों में बारी बारी से सभाएं की जा रही है और आम जनता को बिल के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है। FRDI ये बिल लेके आ रही है, ये बिल बहुत खतरनाक बिल है। आपका बैंक में रुपया आपका नहीं रहेगा। ये बिल का मतलब क्या है वो हम आपको बता देते हैं। इस बिल का मतलब ये है कि जो सरकार केंद्र सरकार के अंडर में जितना भी नेशनलाइज बैंक है वो उसके अंडर में चलती है और अभी जो जितना रुपया डूबा है बैंकों का 2,211,000 करोड़ रुपया बैंकों का डूबा है। इसमें अडानी अंबानी कितने बड़े बड़े व्यापारी जो बैंक लोन लेते हैं, कारोबारी लोन लेते हैं बैंक से और बैंक रिटर्न नहीं आने के पर वो बैंक डूब जाता है। सरकार चाहती है कि हम जो बैंक डूब रहा है उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, लेकिन जब नेशनलाइज बैंक है और केंद्र सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी तो कौन लोग बैंक में रुपया रखेंगे, क्यों रखेंगे, उसके बैंक में रुपया रखने का जिम्मेदार कौन होगा, उसको कौन देखेगा। बैंक कहती है इस बिल को आने के बाद पूरा पूरी अधिकार बैंक का होगा। आप अगर रुपया निकालने जाइएगा बैंक कि हम आपको अभी रुपया नहीं देंगे, आपको रुपया बाद में देंगे। आप 1,00,000 रुपया लीजिएगा बैंक में तो उठाने जाएगा, आपको मना कर देगा कि 1,00,000 रुपया हमारे पास नहीं है, आप 25,000 रुपया लेके चले जाइए। इस बिल से पूरे भारत के लोगों का नुकसान होने जा रहा है। इस बिल को पास करने के बाद मोदी सरकार बचना चाहती है। बैंकों का जो रुपया देश के लोगों को नहीं देना पड़े उससे बचना चाहती है। इस अवसर पर वार्ड कमेटी के अध्यक्ष बबलू मिर्जा, पार्षद मोइन खान, पूर्व पार्षद हिना खातून समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। रानीगंज से विप्लव बादेकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के बक्तानगर में तृणमूल कांग्रेस के तरफ से गरीबों के बीच वस्त्र वितरण किया गया।
रानीगंज के वक्तानगर तृणमूल कांग्रेस आंचलिक कमेटी के तरफ से वस्त्र वितरण किया गया। बुधवार को पार्टी कार्यालय में तृणमूल नेता व पंचायत सदस्य निर्मल पाल ने 65 महिलाओं को साड़ी और 15 बच्चों को नए वस्त्र दिए गए। इस दौरान महिलाएं व बच्चे काफी खुश नजर आए। पंचायत सदस्य निर्मल पाल ने कहा कि वक्तानगर रेल गेट मांझीपाड़ा व नतुन मदनपुर मांझीपाड़ा में रहने वाले गरीब महिलाओं व बच्चों को नए वस्त्र दिए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस हमेशा ही गरीबों के सुख दुख में साथ रहती है। दूसरी तरफ आसनसोल नगर निगम के MIC दिव्यन्दु भगत ने रानीगंज के शिशु बगान मोड़ के पास अरुणा देवी दास नामक महिला के निधन के पश्चात उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतका के आश्रितों को समवेती योजना के तहत 2000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। रक्षा और अधिक पौष्टिक एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा, रोटी चपाती पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश, एग्रो फ्रेश आटा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरवान में एक गृहवधु को जलाकर मारने के विरोध में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है। पूर्व बरवान के रैना थाना क्षेत्र के साजपुर हाट तला के बोयरा ग्राम में एक गृहवधु को जलाकर मार डालने का आरोप सामने आया है। मृतका की पहचान सहरी राणा के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति साहिब राणा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार साहिब ने करीब 5 वर्ष पहले सहरी के साथ प्रेम विवाह किया था। पहले तो उनके परिजन प्रेम विवाह के खिलाफ थे, लेकिन बाद में सहमति जता दी थी। विवाह के साथ सहरी के परिजनों द्वारा नकद रुपए समेत कई सामान भी दहेज स्वरूप दिए गए थे। विवाह के कुछ समय बीत जाने के बाद से ही पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। आरोप है कि साहिब का किसी महिला के साथ अवैध संबंध था। सहरी को इसकी भनक लग चुकी थी और वह विरोध करती रहती थी, जिसके कारण साहिब आए दिन अपनी पत्नी पर अत्याचार करता रहता था। इस बीच गत 30 दिसंबर को सहरी संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलस गई थी। उसे इलाज के लिए बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति के विरुद्ध जलाकर मार डालने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। জামাইয়ের সঙ্গে কারুর আলাদা সম্পর্ক ছিল? আলাদা সম্পর্ক আছে বলে ওই দিন ও আমাকে বলছিল, ওর আছে বলে ওই দিন আমাকে ওরকম করছিল। ও তা বলেছে যে তোমার যদি ভালো লাগে তাকে নিয়ে এসে বিয়ে করো, আমাকে তো একটু সুখে থাকতে দাও ছেলেদেরকে নিয়ে, তাও বলেছিল আমাদেরকে। কতদিন আগে বিয়ে হয়েছিল? হয়েছে 7 বছর 8 বছর হবে। বাচ্চা আছে? হ্যাঁ, 4 বছর একটা বাচ্চা, 1.5 বছর বাচ্চা। এই ঘটনা কি হয়েছিল যার জন্য মারা গেল, মানে কি করেছিল, কিভাবে মারা গেল? কিরণ মদ খেয়েছে, যে খড়গুন্দা কাজ করেছে, মদ খেয়েছিল, এসে ও বাড়িতে কাজে ধান ঝাড়া কাজে গেল, এসে তরকারি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, নিয়ে আর কেন তেল ঢেলে
আর বসেছিল, ও ভাবছে যে আমি মরবো না, ও আমাকে বলছিল যে আমি মরবো না, আমি ভাবছি দুটো ছেলে আছে আমি মরবো না। ও কি করেছে, তুই ক্যাশ ইন ঢেলেছিস, তুই মরবি না, তোকে আমি দুই লাগাটা জেলে দিই, দুই লাগাটা জেলে দিলে रानीगंज और दुर्गापुर में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग जख्मी। रानीगंज थाना क्षेत्र के रानी शहर मोड़ के पास तीन वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में दो लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर पहले एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर मेटाडोर से टकरा गया, फिर मेटाडोर ने डंपर को टक्कर मार दी, जिसके कारण मेटाडोर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके चालक व खलासी घायल हो गए। हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया गया, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं दूसरी ओर बुधवार दुर्गापुर स्थित सिटी सेंटर इलाके में भी एक कार अनियंत्रित होकर दो वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में किसी को किसी तरह की हताहत नहीं हुई, किंतु दुर्घटनाग्रस्त कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के कारण कुछ देर के लिए यातायात बाधित रही। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कार को अपने जब्त में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर में आयोजित मनरेगा कार्यों की समीक्षा बैठक में पहुंचे 9 राज्यों के प्रतिनिधि। मंगलवार को दुर्गापुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से आई सहायक सचिव अपराजिता सारंगी के नेतृत्व में दुर्गापुर के ग्राम उन्नयन व पंचायत दफ्तर के प्रतिनिधि एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच सम्मेलन आयोजित की गई। सम्मेलन का मूल उद्देश्य 100 दिन के काम में और विकास करने के लिए जोर दिया गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से अपराजिता सारंगी के साथ साथ मनरेगा प्रकल्प के कमिश्नर दिव्येंदु सरकार समेत केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि गण, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य के झाड़ग्राम, बांकुड़ा जिला के पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इसके साथ बुधवार को प्रतिनिधि दल के सदस्यों ने दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के 12 प्रकल्प का कामकाज का जायजा लिया। वहीं अपराजिता सारंगी ने कहा कि 100 दिन के काम में पश्चिम बंगाल राज्य सबसे आगे है। Adapting is learning. So what we do is, this is an initiative of the Ministry of Rural Development. We take a group of states to a particular state which is well performing. And this is our 6th interstate exchange program. 4 interstate exchange programs were conducted in 16-17. We took other states to 4 states which were well performing at that point of time. In fact, in this particular financial year, this is the 2nd interstate exchange program that we are conducting. Himachal Pradesh was the first state in this financial year where we had other states. But as far as West Bengal is concerned, let me tell you, the largest number of states have been called to this place. In fact, 9 states have come. Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Bihar, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Himachal Pradesh. Representatives from 9 states are here. The interstate exchange program has commenced today and will continue till 12th of January. So it is full 3 days. Durgapur se Sadhan Rooch ki report, Public Times. Dekh lete hain kuch viral WhatsApp videos. Just love it. पसंद तो है, पर इतना भी नहीं, ठंड बहुत लगती है ना। और ये मेरा फेवरेट स्वेटर है। मेरा स्वेटर तो पिछले साल ही छोटा हो गया था। रोहन ये लो, एक्स्ट्रा स्वेटर रखा, वेरी गुड। ठंड बहुत बढ़ गई है ना। नहीं जाऊंगा माँ, जल्दी आ जाऊंगा। ये तो अपने वॉचमैन का बेटा है ना रोहन। हाँ मामा, रुको रुको। ओए बिट्टू, कल शाम खेलने क्यों नहीं आया? क्या करूँ यार, स्वेटर नहीं है ना, शाम को बहुत ठंड होती है,
बीमार पड़ जाऊंगा। पर आज तो खेलने आएगा ना, आज तुझे ठंड नहीं लगेगी। क्यों? ये ले, ले। एंटरटेनमेंट के लिए हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम लाए हैं शॉर्ट बायोग्राफी विद बेस्ट डायलॉग, आज ऋतिक रोशन। জন্ম 10 জানুয়ারি 1974। একজন ভারতীয় অভিনেতা হিসেবে যিনি খ্যাত তিনি হলেন ঋত্বিক রোশন। তিনি বলিউড চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। ঋত্বিক সর্বাধিক জনপ্রিয় ভারতীয় সেলিব্রিটিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ভারতের সর্বাধিক পারিশ্রমিক প্রাপ্ত অভিনেতাদের অন্যতম। 6টি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার সহ বহু পুরস্কার জয় করেছেন ঋত্বিক। কহো না প্যার হ্যায় ছবিতে তিনি প্রথমবার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। এই ছবিটি বক্স অফিসে সাফল্য অর্জন করেছিল এবং এতে অভিনয় করে তিনি বেশ কিছু পুরস্কারও লাভ করেন। আপনি কহা থা না স্যার কি আপনি বাপ সে শিখ গয়া? মে আপনে পাপা সে শিখ গয়া স্যার। আপ তো এক টিচার হ্যায় স্যার, আপকে উপর হাজারো বচ্চোঁ কি জিম্মেদারি হ্যায়, উন্হেঁ জিন্দগি মে আগে বড়নে কা বড়াওয়া দেনা চাহিয়ে স্যার। কম্পিউটর নে ইনসান কো নহীঁ বানায়া, ইনসান নে কম্পিউটর কো বানায়া, ইসলিয়ে জো দিমাগ কর সকতা হ্যায় ওয়ো আপকা কম্পিউটর নহীঁ কর সকতা স্যার। दुनिया में किसी आदमी को छोटा मत समझिए सर, क्योंकि हर छोटा कभी ना कभी बड़ा जरूर हो जाता है सर। एक बार नजर डाल लेते हैं मंगलवार की कुछ खबरों पर। रानीगंज शहर मंडल के बीजेपी युवा मोर्चा के नया कमेटी का गठन किया गया। आगामी 21 जनवरी को रानीगंज में आयोजित होने वाले बीजेपी सभा को सफल बनाने के लिए विभिन्न तरह की कर्मसूची तैयार की गई। गुप्त सूचना के आधार पर रेल पुलिस ने ट्रेन से देसी एवं विदेशी शराब बरामद किया। कोलकाता से खरीद कर बिहार में बेचने की योजना बनाई गई थी। रेल पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दुर्गापुर के सिटी सेंटर इलाके में दिन दहाड़े गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरी का घटना प्रकाश में आया है। इस घटना को केंद्र कर इलाके में हड़कंप मच गया। रानीगंज के काशीपुर डांगा इलाके में तालाब के पास एक नवजात शिशु का शव बरामद किया गया। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। ईसीएल के पटमोहना कोयलरी में कार्यरत एक श्रमिक की मौत हो गई। मुआवजे की मांग पर श्रमिक संगठन ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। INTTUC के बैनर तले बदवान नगर पालिका के 5 नंबर वार्ड स्थित एक शिशु शिक्षक केंद्र में छात्रों के बीच शीत वस्त्र प्रदान किया गया।
रानीगंज शहर के एनएसबी रोड स्थित श्री श्याम बाल मंडल के तत्वाधान में विशेष अनुष्ठान आयोजित किया गया, जहां से खाटू वाले श्री श्याम के भक्त गुणवंत जोशी रथ लेकर खाटू धाम के लिए रवाना हुए। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड में आसनसोल नगर निगम की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाया। आगामी 22 जनवरी से शुरू हो रहा है रानीगंज पुस्तक मेला एवं रानीगंज उत्सव। इसी के मद्देनजर रानीगंज के राजाबांध मोड़ स्थित अंजुमन भवन में उर्दू स्कूलों के बीच विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। खबरें समाप्त करने से पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस निवेदन करते हैं दामोदर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, चॉइस ऑफ मिलियंस, रिश्ता जो कभी न टूटे। रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में ठंड का कहर जारी। दुर्गापुर में आग जलाकर सो रहे दंपति की मौत। पूर्व बर्धमान में राज्य सरकार के खिलाफ किसानों का अनोखा प्रदर्शन, आलू जलाकर प्रदर्शन। NH2 के यात्रियों को दिए गए जले हुए आलू। रानीगंज में पूर्व विधायक सोहराब अली का राजनीतिक कर्म सूची जारी। 91 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस की सभा में CPIM एवं BJP के 15 समर्थकों को झंडा थमाकर दल में किया गया शामिल। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार।